नमस्कार, खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 7 फरवरी है और दिन है सोमवार। सरसों में आज थोड़ी बहुत रिकवरी देखने को मिली है, लगभग 200 से 250 रुपए बाजार कुछ तेजी के साथ खुल रहे हैं और शाम को भी कुछ और मंडियों में सुधार देखने को मिला है। कॉटन बाजार आज कुछ स्टेबल है, कुछ स्थिर है, उसके पीछे क्या कारण है, बड़ी सी जो बड़े बड़े जो 2-3 कारण हैं उन पर चर्चा करेंगे। और इसके साथ ही आपसे निवेदन कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन की घंटी जरूर दबाइए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आपके मोबाइल पर उपलब्ध हो जाए। सरसों का जो बाजार आज देखने को मिला है उसमें लगभग 250 से 300 रुपए की तेजी देखने को मिली है। भरतपुर का बाजार 260 रुपए के आसपास तेज खुला और जयपुर का जो बाजार है वो करीब 25 से 30 रुपए तेज खुला। जो खैरथल और खेरली की मंडियां हैं इनमें भी जो सुबह बाजार खुला था उससे लगभग 250-300 रुपए तेज अब शाम तक कारोबार होता हुआ दिखाई दिया। सलोनी के भाव जो सुबह खुले थे उसके बाद कुछ डाउन हुए और फिर वापस उसी स्तर पर आ गए, यानी जिस भाव में सुबह खुला था 8400 से लेकर के नीचे में 8350 रुपए तक का भाव इस समय सलोनी का चल रहा है। तो कुल मिलाकर के जैसा निवेदन कर रहा हूँ पिछले कई दिन से कि सरसों का जो कारोबार है वो अब इसी तरह से 200 अप 100 डाउन, 100 बढ़ेंगे 50 डाउन, इसी तरह से अब चलेगा। इसमें अब कोई बड़ी तेजी या कोई बड़े मंदे की संभावना नहीं है। बाजार इसी तरह से फरवरी एंड तक चलता हुआ दिखाई दे सकता है। और भी इसमें कई कारण बनते हैं लेकिन विस्तृत उस चर्चा पर न जा करके सिर्फ इतना निवेदन करना चाहता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय जो बाजार है उसके अंदर सोयाबीन का जो तेल है और सोयाबीन का जो भाव है वो बहुत ऊंचे स्तर पर है। पाम तेल की कीमतों में बहुत तेजी है और जो दूसरे जो कारण बन रहे हैं इस खाद्य तेलों में तेजी के उसके कारण इंटरनेशनल बाजार भी है। इंटरनेशनल बाजार में क्या हो रहा है क्योंकि रसिया और यूक्रेन का जो झगड़ा चल रहा है वो कभी भी गंभीर रूप ले सकता है और उस कारण से सूरजमुखी का जो तेल आयात होता है यूक्रेन से, भारत को ही नहीं बहुत से देशों को होता है, तो वो वहाँ से एक बार व्यापार रुका हुआ है और उसके लेन देन को लेकर के आगामी चिंता है भाई भविष्य में इसके साथ क्या होगा। तो उस कारण से सोयाबीन के तेल की खरीद ज़्यादा हो रही है। चाइना भी बड़े लेवल पे अमेरिका से खरीद कर रहा है और इसके साथ साथ जो इंडोनेशिया है उसने जो अपनी जो पाम तेल का जो उत्पादन है उसका जो मिनिमम यानी कुल उत्पादन जितना होता है उसका मिनिमम 20% जो अपने देश में बेचने के लिए एक शर्त रखने का फैसला लिया था उस पर वो शायद पुनर्विचार कर रहा है, दोबारा विचार कर रहा है, शायद इस शर्त को हटा दे। लेकिन उससे पहले वो हटेगी कब हटेगी ये पता नहीं है। इन सब कारणों से खाद्य तेलों में तेजी है। भारत में जो मेनली उत्तर भारत और पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में सरसों के तेल की खपत ज़्यादा होती है और इसी बेल्ट के अंदर बड़ा चुनाव है और इसी बेल्ट में चुनाव होने से सरकार ने जो तेल तिलहन की जो लिमिट थी उसमें से इन एक दो राज्यों को जो चुनावी राज्य हैं उनको छोड़ करके बाकी राज्यों पर ये जो तेल तिलहन की स्टॉक लिमिट जो 31 मार्च को समाप्त हो रही थी उसे 30 जून तक बढ़ा दिया है, 30 जून 2022 तक। इस कारण से भी सरसों के बाजार में एक बार थोड़ा सा मंदा देखने को मिला है। अगर बात करें सरसों की उपलब्धता की तो अभी भी करीब करीब 70-80 हज़ार बैग जो है वो रोजाना गट्टे जिसको कहते हैं ये रोजाना मार्केट में आ रहे हैं और उस कारण से भी बाजार थोड़ा सा अभी भी प्रेशर में चल रहा है क्योंकि एंड पॉइंट आ गया है और अभी भी सरसों आ रही है और नई सरसों की आवकों का भी हल्का हल्का दबाव देखने को मिलता है। इसलिए बाजार अब सीमित दायरे में कारोबार करेगा। 100 रुपये बढ़ सकता है, 50 रुपये डाउन आ सकता है, फिर 200 रुपये बढ़ सकता है, फिर 100 रुपये डाउन आ सकता है, इसी तरह से बाजार चलता हुआ दिखाई देगा। कॉटन कॉम्प्लेक्स की बात करें तो कॉटन में भी जो एक ठहराव आया है उसके पीछे दो कारण हैं। जीनर्स ने जो जिनिंग मिलें जो है उनको माल ही उपलब्ध नहीं हुआ तो अधिकतर जिनिंग मिलें बंद हो गई हैं या जो जिनिंग मिलों के साथ जो दूसरे जो कारोबार जुड़े हुए हैं जैसे सीड ऑयल है, जैसे खल का कारोबार है, इन सब के अंदर भी मंदा देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा मंदा, स्टेप हल्का सा, क्योंकि जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर जो वायदा में है, वायदा के अंदर आज जो खल का कारोबार है वो थोड़ा डाउन दिखाई दिया है। उसके पीछे भी कारण रसिया और यूक्रेन का बताया जा रहा है और दूसरा कारण ये है कि जो जीनर्स की जो मिलें बंद हो रही हैं उनको माल उपलब्ध नहीं हो रहा
और उन्होंने इस ऊंचे भाव पर माल को खरीदारी को बंद कर दिया है, एक बार धीरे कर दिया है, रोक दिया है। जितनी मिलें चल रही हैं उनका कारोबार भी धीरे है। लो क्वालिटी का माल बाजार में आ रहा है, अभी भी ए ग्रेड का माल जो है वो नहीं आ रहा है। विशेष रूप से गुजरात और महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, इन तीन स्टेट्स के अंदर अभी क्वालिटी का जो माल है वो अभी भी रोके हुए है। किसान या जो स्टॉकिस्ट व्यापारी हैं वो बाहर माल नहीं निकल रहा है। इसी कारण से बाजार के अंदर ये थोड़ा सा आपको स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है, मंदा फिर भी नहीं है। आज भी जो हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की मंडियां हैं वहां पे 10,000 से ऊपर के स्तरों पर, 10,400 के से ऊपर के स्तरों पर नरमा की बिक्री हुई है, कॉटन की बिक्री देखने को मिली है। तो निकट भविष्य में इसमें मंदा देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जो बाजार में जो उपलब्धता है, हमारे कॉटन की जो उपलब्धता है, हमारे देश के भीतर का जो उत्पादन है वो कहना चाहिए कि 250 लाख गांठ से अधिक संभावना नहीं है। हालांकि कुछ लोग इसे ज़्यादा कहते हैं कि 300 लाख गांठ तक हो सकता है, लगता नहीं है। जिस तरह की जो चीज़ें आंकड़े सामने आ रहे हैं उससे लगता नहीं है कि इतना बड़ा उत्पादन है। उत्पादन कमज़ोर होने के कारण ही इस बार भाव अच्छा मिल रहा है, और भाव अच्छा मिलना चाहिए क्योंकि किसानों की कपास भी, नरमा कपास भी पिछले वर्षों की तुलना में इस बार उत्पादन उन्हें कम मिला है, क्योंकि फसल बरसातों के कारण और दूसरा जो गुलाबी सुंडी के कारण, इन सब कारणों से कपास में नुकसान भी बहुत हुआ है। हालांकि थोड़ा बहुत सरकारें मुआवजा देती हैं, लेकिन मुआवजा कितना मिलता है और कैस किस प्रक्रिया से मिलता है, कितनी पीड़ादायक प्रक्रिया होती है, ये भी आप जानते हैं। खैर, बात करते हैं अब कुछ मंडियों के भाव की। भरतपुर में आज भाव सुबह 7,750 रुपये खुला था, 7,500 रुपये के आसपास भाव इस समय बताया जा रहा है। जयपुर में भाव खुला है 7,850 रुपये, और दिल्ली में 7,750 रुपये, खेरली में 7,511 रुपये, खैरथल में 7,475 रुपये अब हुआ है भाव। सुबह 7,300 रुपये, 7,325 रुपये के आसपास तक कारोबार हुआ था। दादरी 7,500 रुपये, आदमपुर 7,000 रुपये, हापुड़ 7,500 रुपये, गंगानगर 6,921 और नडबई 7,450, देही बूंदी 6,750, बीकानेर 6,800, सलोनी 8,350 से 8,400, शारदा जो मिल है उसके भाव है 7,500 रुपये, और बीपी ऑयल मिल के भाव है 8,100 रुपये। अनूपगढ़ 6,865, रायसिंह नगर 7,101, पदमपुर 6,660, गंगापुर 7,400, हिसार 7,100, जोधपुर 7,600, कोटा 6,800, सुमेरपुर 7,600। नरमा आज बिका है अनूपगढ़ में 10,460, गंगानगर में 10,251, सिरसा में 10,008, एलनाबाद में 10,052, मोड़मंडी में 9,800, आदमपुर में 9,800, बट्टू में 9,900, अबोहर मंडी 10,045, रायसिंह नगर 10,219, पदमपुर में 10,470, केसरी सिंहपुर में 10,211, संगरिया में 10,170 और हनुमानगढ़ में 10,200। कल आपसे फिर इसी तरह मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।